हेलो माय लवली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं पॉपी। और आज मैं आप लोगों के रिव्यू देने वाली हूं इस वीडियो में। ये है गोड फिट्स का फॉल फेशियल किट। ये दिखाए आप लोगों को सामने दिखाएंगे इसको कैसे यूज़ करना है और स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है ये भी बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ये है गोड फिट्स का स्पॉल स्किन इल्यूमिनेटिंग फेशियल किट। ये नीट वेट है 40 ग्राम और इसको तीन साल आप यूज़ कर पाओगे। और इसका MRP है 250। purple.com से आपको मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। पार्पल में हर टाइम कुछ ना कुछ ऑफर चलता ही रहता है, तो आप लोगों को ये 250 में नहीं, इसके कम से मिल जाएगा, ऑफर से ही मिल जाएगा। और इसको 4 स्टेप है, क्लींजिंग, स्क्रबिंग, फेस मसाज, फेस पैक। और इसको पीछे लिखकर कैसे यूज़ करना है वो डायरेक्शन दिया है और इसको बेनिफिट में लिखा है। ये है पाल स्किन एल्यूमिनेटिंग फेशियल किट, एनरिच्ड विद रिच पाल एक्सट्रैक्ट्स। इट डिमिनिश फाइन लाइन्स, एक्ने स्कार एंड ब्राइटन डल कॉम्प्लेक्स फॉर ए पर्ली व्हाइट ग्लो। तो चलिए देखते हैं इस फेशियल किट को यूज़ करने के बाद हमारा फेस के ऊपर पर्ली ग्लो आए या नहीं। और बाय द वे, मेरा ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। और आप लोगों को ये मेरा मेकअप अच्छा लगे तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बोलना, मैं ये मेकअप लुक आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। और चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं इस फेशियल किट को कैसे यूज़ करना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो पहले मैं ये मेकअप को रिमूव करेंगे और रिमूव करने के लिए मेरे पास गार्नियर के क्लींजिंग वाटर है, तो ये क्लींजिंग वाटर से मैं मेकअप रिमूव करके आती हूँ। तो मैंने फेस अच्छे से क्लीन कर लिया और फेस को डैम कर लिया वाटर से। फिर जो फास्ट प्रोसेस है क्लींजिंग वो मैंने ले लिया और इसको हाथों से मैं लेंगे। फिर दोनों हाथों से डिवाइड करके पूरा फेस के ऊपर कवर करेंगे। तो इसको क्लींजिंग अच्छे से, बहुत अच्छे से, आराम से करना चाहिए। और इसको जो मेन इंग्रेडिएंट्स है पाल पाउडर, वो खास माना जाता है। पाल पाउडर थोड़ा सा एंड करने के बाद ही हमको पता चलेगा, इसमें थोड़ा सा ग्लो तो आएगा। तो मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया, फिर व्हिप की मदद से इसको मैं निकल के थोड़ा सा फेस कर लूँगा। पूरा फेस अच्छे से क्लीन कर लिया और मेरे को बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट फीलिंग हो रहा है, नोज़ के एरिया तक बहुत सॉफ्ट वाली फीलिंग हो रहा है। फिर सेकंड स्टेप जो आता है वो है स्क्रबिंग। तो स्क्रबिंग मैंने हाथों में ले लिया और स्क्रबर थोड़ा सा मैंने क्लींजिंग के थोड़ा सा कम ही लिया, क्लींजिंग मेरे को बहुत ज़्यादा हो गया। और स्क्रबर पूरा फेस पे कवर करूँगा और बहुत आराम से हल्की हाथों से करना है, बहुत जोर जोर के रगड़ के नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको डेड सेल्स निकलने की वजह से आपको स्किन ही निकल जाएगा। तो थोड़ा सा अलग अलग मोशन यूज़ करके थोड़ा सा हल्के हाथों से करना है। जहाँ करना है थोड़ा सा ना अराउंड द नोज़ या लिप्स के नीचे वाले एरिया जो होता है वो थोड़ा सा रगड़ के करना चाहिए, नहीं तो उधर थोड़ा सा डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए थोड़ा सा रब करना चाहिए। और बहुत कम से कम इसको 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए स्क्रबिंग अच्छे से। फिर मैंने अच्छे से स्क्रब के बाद फेस क्लीन कर लिया। देखिए मेरा बहुत अच्छे क्लीन हो गया और मेरा नोज़ एकदम सॉफ्ट जैसे लग रहा है। थर्ड स्टेप जो आता है वो है फेस मसाज क्रीम, वो भी मैंने मेरे हाथों में ले लिया और इसको मैंने हाफ क्वांटिटी लूँगा। तो पूरा फेस के ऊपर ये क्रीम से मैंने पूरा फेस को पहले कवर करूँगी। तो मेरे हिसाब से ये स्टेप तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप जितने टाइम तक जितनी
देर तक इसको मसाज करोगी अच्छे से उतना ही ग्लो मिलेगी आपको फेस के ऊपर, उतना इफेक्ट आप देख पाओगी। इसीलिए मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, इसीलिए पूरा स्टेप दिखा रही हूँ लेकिन ड्यूरेशन उतना ज़्यादा नहीं दिखा रहा हूँ। और अच्छे से कवर करने हैं पूरा फेस के ऊपर, लेकिन हल्के हाथों से करना है, बहुत जोर जोर रगड़ के नहीं करना है। और पार्लर वाली आंटी जो करती है थोड़ा सा अलग अलग मोशन मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो प्रोफेशनल हूँ नहीं, लेकिन थोड़ा सा मेरे को जो याद है वो कर रहा हूँ। और ये मसाज करने के टाइम आपको हैंड्स मूवमेंट फिर ऊपर की तरफ रखना है, नीचे की तरफ कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आपको स्किन सेट करेगी। और बीच में वो भी हैंड मोशन जो होता है, पार्लर वाली आंटी का हैंड मोशन जो होता है वो भी कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। तो ये पूरा बैक, ये करने के टाइम बैक और नेक को ज़रूर आप ट्राई करना। मैं तो कैमरे के सामने बैठी हूँ इसीलिए नहीं कर रहा हूँ। और बीच बीच में इसको थोड़ा सा आप पानी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ये क्रीम सोख जाएगा। तो मैं भी फिंगर पे पानी ऐड किया और फिर इसको दोबारा मसाज किया। तो मैंने तो 15 से 20 मिनट तक इसको मसाज किया। आपके पास टाइम है तो और भी ज़्यादा कर सकता है। फिर मेरा तो हो गया 15 से 20 मिनट। फिर एक व्हिप की मदद से इसको अच्छे से क्लीन करोगी, और पानी आप चाहो तो ऐड कर सकते हैं, फ्रेश कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं किया। फिर जो लास्ट स्टेप आता है वो है फेस पैक। तो ये भी मैंने हाफ क्वांटिटी मेरे हाथों में ले लिया, फिर दोनों हाथों से डिवाइड करके दो हाथों से इसको हल्की एक पतली वाली लेयर क्रिएट करूँगा, बहुत ज़्यादा मोटा वाली डीप लेयर नहीं क्रिएट करूँगा मैं, इसी जल्दी जल्दी सोख जाएगा, तो इसीलिए बहुत पतली वाली एक लेयर दूँगा। और पूरा फेस की आँख, दोनों आँख को बचा के पूरा फेस को कवर किया ये पैक से। तो मैंने अच्छे से इसको कवर कर लिया। तो फिर इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट होने के बाद मेरे पैक एकदम सोख गया, एकदम सोख गया। तो इसको रगड़ के नहीं उठाऊंगा मैं, तो इसीलिए मैं एक बोल में पानी ले लिया और फिर दोनों फिंगर की मदद से पूरा फेस को डैम करेगी। फिर डैम करने के बाद इसको भी रगड़ के नहीं उठाऊंगी, थोड़ा सा मसाज करके इसको रैपिंग करके, हल्के हाथों से रैपिंग करके इसको उठाऊंगी। तो मसाज भी मैंने कर लिया, तो एक विक की मदद से इसको भी पूरा क्लीन करूँगी, फेस मैंने क्लीन कर लिया। आप लोगों ने देखा ये पार फेशियल किट मैंने कैसे यूज़ किया, और देखिए मेरा फेस तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है। और फिर ये फेशियल करने के बाद एक तो टोनिंग तो बनता है, तो वो भी गुड वेब्स का मैं रोज़ ग्लो टोनर यूज़ करेंगे थोड़ा सा। तो मैंने टोनिंग भी कर लिया, पासा के देखिए कितना क्लीन हुआ हो गया मेरा ये पार वाला फेशियल, और मेरे पहली पहली कुछ नज़र आ रहा है या नहीं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये तो पार्ल वाला फेशियल किट मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा। ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल हेल्पफुल लगा तो मेरे को बहुत सारे लाइक करना, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करना। और जो मेरा यूट्यूबर चैनल में नया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन, वो नीचे जो रेड कलर की बटन है वो क्लिक कर